चलिए स्टार्ट हो गया, स्टार्ट कीजिए मनोज बाबा जी, वेलकम कीजिए सर को। गुड इवनिंग ऑल, दिल से दिल की गहराई से मैं मनोरमा उड़ीसा से आप सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। एक्टिव स्टार इंडिया मंच के आज जो मेहमान है, हमारे गेस्ट है मनेंद्र सर, उनको तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। मनेंद्र सर को हम लोग, जो उनका बर्थडे गया 3 तारीख को, हम उनके विश नहीं कर पाए क्योंकि उस दिन हमारे साथ ऑन पेसी फैमिली के साथ एक हादसा हो गया था। हमारे इद्रिस सर उस दिन ये दुनिया छोड़ के चले गए थे, तो उस दिन हम कुछ नहीं कर पाए। तो आज बिलेटेड हैप्पी बर्थडे में मनेंद्र सर को बोल रही हूँ। सर आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना है, और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करती हूँ हमारे जो आज गेस्ट है, वो उनको आप सब अच्छे से जानते हैं, सुन चुके हैं, और जो 360 का अपडेट है बहुत अच्छे से हमारे सामने रखते हैं। और आज तो 360 का अपडेट बहुत ही शानदार है, वो आप सुनेंगे उनके मुंह से। सो प्लीज मोस्ट वेलकम मनेंद्र सिंह गोला सर। सर प्लीज आप आइए और अपना शेयरिंग रखिए, एक्टिव स्टार इंडिया मंच पे आपका जबरदस्त स्वागत है सर, आइए। जय जगन्नाथ। ओके, मैं थोड़ा सा बस 1 मिनट का समय लूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा मैं इसमें, जस्ट 1 मिनट। Yes, ready. So hello everyone. So I hope सभी लोग excited होंगे और सभी लोग active भी हैं आज के इस current scenario के अंदर देखा जाए तो। सबसे पहले तो मैं हमारे इस panelist के ऊपर, हमारे इस platform के ऊपर जितने भी host, co-host और हमारे जितने भी founding members हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और पिछले थर्सडे को उसके बाद जो 3 तारीख अभी निकल के गई है, उस दिन जन्मदिन था, लेकिन फिर मैंने भी ज्यादा गौर नहीं किया उस पे, क्योंकि उस दिन हमारी फैमिली के अंदर आपको पता है कि हमारे इद्रिस मोदी साहब जो है इस दुनिया से विदा हो गए, और एक वो भी एक बहुत बड़ा एक दुख था हम सभी लोगों के लिए, और उस दिन मेरा जन्मदिन भी था। तो ये डेट तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये डेट हमेशा मुझे याद रहेगी कि जिस दिन मेरा जन्मदिन आता है उस दिन हमारे बीच में से एक बहुत ही फैंटास्टिक जो एक लीडर थे वो हम सब लोगों से यहां से विदा हुए। ये हम सब लोगों के लिए एक दुख भरा समय था उस समय, और बहुत सारे लोग आज इस दुनिया के अंदर, ऐसा कोई भी ऑन पैसिव फैमिली के अंदर व्यक्ति नहीं होगा, फाउंडिंग मेंबर्स अर्ली वर्स नहीं होंगे, जो कि इद्रिस मोदी साहब को नहीं जानते होंगे। विदेशों में भी उनकी एक बहुत बड़ी पहचान यहाँ पे जो है बन चुकी है। और हमारे जो पाकिस्तान के बसीम अनवर साहब हैं पाकिस्तान से, जो हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक वीडियो को क्रिएट किया है, और वो उनके चैनल पे आज रात को 9:30 बजे पब्लिश हो जाएगा। तो वो खास तौर से डेडिकेट किया है हमारे इद्रिस मोदी साहब के लिए और उनके ट्रिब्यूट के लिए, क्योंकि उनको श्रद्धांजलि एक देने के पर्पस से उन्होंने एक वीडियो को तैयार किया है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उनके चैनल पे जाएं, अगर आपने उनका चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उन्होंने पहले से उसमें एक टाइम शेड्यूल जो होता है वो सेट करके उन्होंने रख दिया है, क्योंकि हम सब लोगों को वहां पे अपनी एक एंगेजमेंट दिखानी है, जिससे कि हमारे जो इद्रिस मोदी साहब हैं उनको भी इनकी आत्मा को शांति मिले। और हमारे बीच में से ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि आज पूरी तरीके से एक्साइटेड हैं, अपने ऑन पैसिव को पूरा
यहाँ पे समय दे रहे हैं और हम इस एक्टिव स्टार इंडिया प्लेटफॉर्म से जो है अपने इद्रिस मोदी साहब के लिए जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको स्वर्ग में जगह मिले। और हमारे अभी क्रिस जॉनसन साहब की जो भी क्रिस जॉनसन सर हैं उनकी भी थोड़ी सी तबीयत अभी सही है, ज्यादा खराब नहीं है लेकिन अब ठीक ठाक है। हम उनके लिए भी प्रे करते हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और हम सब लोगों के बीच में आ जाएं। आमीन। दोस्तों मेरा नाम मनेंद्र सिंह गोला है और मैं डिस्ट्रिक्ट कासगंज उत्तर प्रदेश इंडिया से बिलोंग करता हूं और हर बृहस्पतिवार के समय हम यहां पे होते हैं। और पहले तो मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं था लेकिन धीरे धीरे करके अब टाइम फिक्स ही हो गया है। जो भी अपडेट्स हम सब लोगों को मिल रही हैं काफी अच्छी अपडेट्स हैं, अगर हम उसको सही तरीके से एक सही नजरिए से अगर हम उसको देखते हैं, अगर हम उसको सही ढंग से समझते हैं तो हर बुधवार को हमें 360 के माध्यम से एसर के माध्यम से अपडेट मिलती हैं और पिछले एक हफ्ते के अंदर कौन कौन से काम हुए हैं और क्या होने जा रहा है उन सब के बारे में हमें अपडेट मिल जाती है। तो यहाँ पे 360 की जो अपडेट्स हैं उसको हम थोड़ा सा गौर करेंगे आज। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ी लिया होगा हमारे बैक ऑफिस के अंदर इसकी पूरी की पूरी जो अपडेट है वो यहाँ पर आ चुकी है और जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी वो हम सब लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा मैं एक मिनट का समय लूंगा, जस्ट मिनट, एक मिनट। ओके तो सबसे पहले चीज तो यह है कि हमारा जो 360 के अंदर अपडेट आया है उस अपडेट के अंदर हम सब लोगों को पता है कि बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन है और जिस तरीके से ये करंट सिनेरियो यहां पे चल रहा है उस सारी की सारी चीजें हम सब लोगों को समय समय पे जो है मिल रही है उसमें कोई भी शक नहीं है। और अभी जनवरी का महीना जो हम लोगों का जिस तरीके से खत्म हुआ है और फरवरी का महीना भी आपको पता है कि आज 8 दिन इस फरवरी के महीने के अंदर जा चुके हैं और सब लोगों को अभी बेसब्री से जिस चीज का इंतजार है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, जिस चीज का इंतजार है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स वगैरह आती हैं, विड्रॉल का बेसब्री से इंतजार है। और देखा जाए तो कंपनी इस विड्रॉल को लेकर के बहुत ही दिन रात यहां पे मेहनत जरूर कर रही है क्योंकि अभी हमारे इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स के बीच में भी जो है एक दो लोगों को मेल्स भी आना शुरू हो गए हैं। आज सुबह के टाइम पे मेरे पास किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, उसमें विड्रॉल को लेकर के ऊपर एक सब्जेक्ट में जो लिखा होता है वो विड्रॉल को लेकर के लिखा हुआ था कि मुझे यहाँ पे सर क्लिक करना है नहीं करना है, तो वो मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ओ मेल में भी चेक करो, आपके पास ओ मेल भी आया होगा। अगर दोनों तरफ आपका आया है तो आप निश्चिंत हो जाओ, अदरवाइज आप थोड़ा सा रुको क्योंकि अभी ऐसे हमारे आसपास के लोग जिनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं उनके पास अभी ऐसा कोई भी मेल नहीं आ पाया है। लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस जारी है और ये विड्रॉल के लिए जो कंपनी ने कहा है कि आपके पास एक मेल आएगा तो वो मेल आना कंपलसरी है। जब तक हमारे पास वो मेल नहीं आएगा तब तक हम आगे की वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसे पूरा हम नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद अगर आपने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट भी अगर आपने लगाया होगा तो विड्रॉल रिक्वेस्ट आपके पास वो तब तक एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, आई मीन तब तक आपके पास विड्रॉल नहीं आ पाएगा जब तक वो आपके पास मेल नहीं आएगा क्योंकि वहां पे एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसके अंदर। अब वो वेरिफिकेशन प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होगी उसके लिए हमें उस मेल के आने के बाद ही पता चलेगा। अभी हम आपस में जो भी बातें कर रहे हो जैसे भी करते हो वो एक अलग चीज है लेकिन एक्चुअल में जब हमारे पास वो मेल आ जाएगा और हम उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके अंदर पहुंचेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारा वेरिफिकेशन वहां पे किस तरीके से किया जा रहा है। दिस इज जस्ट अ वेरिफिकेशन नॉट केवाईसी, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान देना, ये केवाईसी नहीं है। केवाईसी विल बी डन विद अवर ओ वेरीफाई, जो हमारा जो प्रोडक्ट है ओ वेरीफाई KYC उसी के ही माध्यम से होगी क्योंकि KYC में आपके
कुछ अलग पैटर्न होते हैं केवाईसी करते समय, कुछ अलग मेथड होता है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो वेरीफाई उसी के माध्यम से ही केवाईसी होगी। तो ये एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है जो मर्चेंट के द्वारा हो रही है। तो मेल आने तक हमें वेट करना है। कल जो रात हमें अपडेट सेक्शन के अंदर जो हमारी पूरी की पूरी जो अपडेट आई है उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है, उसमें से खास खास पॉइंट पे जो है हम नजर डालने वाले हैं। दूसरी चीज यह है कि कल बैक ऑफिस के अंदर अगर हम देखें तो हमारा 360 का लिंक ही नहीं मिला किसी को, बहुत कम लोगों को लिंक मिला, बहुत कम लोगों को, पता नहीं वो लिंक कहाँ आया, किस तरीके से आया। हमारे बैक ऑफिस के अंदर आपने देखा होगा कि 3 बजे 4 बजे मैं हर घंटे अपना बैक ऑफिस जो है ऑन करके देखता, लेकिन वहां पे लिंक नहीं मिली। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक पोस्टर बन के आता था वहां पे क्रिस सर, माइटी सर, रेड सर, एस सर का फोटो लगा होता था, उस तरीके से कोई भी लिंक ही नहीं मिली। और ये जो हमारी लिंक थी वो पता नहीं किस तरीके से और कहाँ पे गई थी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब सुबह मैंने उठ के देखा तो बैक ऑफिस के अंदर पूरी की पूरी 360 की समरी थी, तो लगा कि हाँ कल रात को एक वेबिनार हुआ है, क्योंकि बहुत ही कम लोग उसमें अटेंड हो पाए थे। सो कमीशन के बारे में सबसे पहले वहां पे बात कही गई है, और हमारे क्रिस जॉनसन सर की भी वहां पे थोड़ी सी तबीयत खराब दिखाई दी, और हमारे मार्टी सर ने भी जो है उस वीडियो को जो रिकॉर्ड हो जाती है उसको भी शेयर किया था 360 के बारे में। तो वहां पे रेड सर भी थे, मार्टी सर भी थे एंड क्रिस जॉनसन सर भी थे, तो उस तरीके से वो नहीं थे जिस तरीके से वो हमेशा रहते हैं। तो उनके लिए भी जो है मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी क्रिस जॉनसन सर के लिए प्रे करें जिससे कि वो अच्छे से जल्दी जो है ठीक हो जाए। सबसे पहले वहां पे जो है कमीशन के लिए बात की गई थी, उससे पहले राइट सर ने भी अपना सारा का सारा जो अपडेट देते हैं वो अपडेट दिया, एंड कमीशन के बारे में यहां पे जो उन्होंने कहा है कि वो एक प्रोसेस में है हमारा कमीशन, और जो आज हम अपने विड्रॉल रिक्वेस्ट को लगा करके बैठे हैं, लोगों के पास मेल्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके इस तरीके से बढ़ रहा है। तो कमीशन हमारा पे आउट एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो बैकएंड पे चल रही हैं, और कभी भी आपको मेल, जीमेल वाला मेल और आपका ओ मेल आपको कभी भी आ सकता है, तो आप कभी भी आप उसको जरूर कभी भी आ सकता है वो आप जरूर चेक करिए। जीमेल वाला जो मेल है वो आपके स्पैम में भी जा सकता है, स्पैम का जो फोल्डर होता है, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत में गूगल उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, और सही तरीके से जब उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो वो स्पैम में चला जाता है, और बाकी के जितने भी हमारे मैसेजेस वगैरह होते हैं वो हमारे इनबॉक्स में आ जाते हैं। तो आप हर एक फोल्डर को वहां पे चेक करना है, अगर वहां पे ऑन पैसिव के नाम से या विड्रॉल के नाम से या जो भी उसका आइडेंटिफिकेशन हो जो आपको लगे बिल्कुल अलग है ये ईमेल, उसको आप ओपन करके आप जरूर देखिए। लेकिन हाँ, अगर उसके अंदर कोई लिंक वगैरह होती है ना, उस लिंक पे क्लिक करने से पहले आप एक दूसरे से बातचीत जरूर कर लीजिए, ओके। अगर आपको समझ में नहीं आती है कि ये कौन सी लिंक है तो आप एक दूसरे से बातचीत जरूर करें, एक दूसरे से आप सलाह मशवरा जरूर लें। तो यहाँ पे प्रोसेस जारी है, एंड the people will have to throw verification process using their email because it is the merchant requirement, and we will have to this again with verify in the coming weeks. और जैसे ही ये merchant का धीरे धीरे करके ये process जैसे जैसे complete होता चला जाएगा, ये verification का process complete होता चला जाएगा, तो यहां पर हमारा आगे आने वाले हफ्तों के अंदर ओ वेरीफाई के माध्यम से भी हमारा वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। अब ये ज्यादा वक्त नहीं लगेगा वेरिफिकेशन होने में जो ओ वेरीफाई है, क्योंकि लगभग वो है पूरी तरीके से रेडी है, एंड इट इज द स्ट्रक्चर वी हैव इन प्लेस नाउ, एंड यू विल नीड टू वॉच योर ईमेल एंड ओमेल एवरी डे। हमें डेली नजर रखनी है अपने ओमेल पर, अपने ईमेल पर, वहां पे किस तरीके से आया है और किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उस हर चीज पे वहां पे नजर रखनी है। कंपनी हमारे सभी बैलेंस को जल्दी से जल्दी यहां पर क्लियर करने का प्रयास कर रही है जो पेंडिंग विड्रॉल्स यहां पे पड़े हुए हैं, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि वो तो कंपनी को करना ही करना है। और देखा जाए तो सारा का सारा जो फोकस है कंपनी का वो उसी तरफ लगा हुआ है, पेंडिंग विड्रॉल्स के ऊपर ही सारा का सारा फोकस लगा हुआ है। बाकी के जो हमारे अदर काम है वो तो हो रहे हैं साइड में,
लेकिन इस पर फोकस सबसे ज्यादा है ताकि जल्द से जल्द हमारे पास एप्पल पहुंच चुके, एप्पल पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अपनी अलग अलग स्थिति में हैं, अलग अलग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और जिन लोगों के पास विड्रॉल्स आ चुके हैं, जिन लोगों ने अपने विड्रॉल्स लगा लिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा इस समय जरूरत भी है। तो कंपनी चाहती है कि कम से कम शुरुआत में जरूरतमंद को जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए, इनकम मिल जाए, जिससे कि वो अपना एक शुरुआत कर सकें, तो उसी पे काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता है। अभी सुबह मेरे पास एक कॉल आई थी, तो वो मुझसे बहुत ही ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो कोई मुझ पर एहसान कर रहे हो बात करके। अरे पहले तो लेने के लिए तो समय था, कंपनी पैसा ले रही थी, अब देने का समय आया तो कंपनी बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक बात समझनी है, जब हम किसी को पैसा दे रहे थे, यानी कि ऑन पैसे को पैसा दे रहे थे, इट मीन्स हम कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, तो ये तो एक कंपनी है जो लाखों लोग उसको देख रहे हैं और लाखों लोगों ने उसको पहचान लिया। लेकिन अब कंपनी को पहचानने में, है ना, कंपनी को पहचानने में, इन लाखों लोगों को पहचानने में एक एक करके समय लगेगा। सिद्धि, तो यहां पर है क्या कि यहां पे हमारे जितने भी 14 लाख लोग हैं, अब कंपनी इनको भी तो पहचानेगी ना भाई, हमने तो एक बार में पहचान लिया कंपनी के लिए, और कंपनी ने अपना सिस्टम भी क्रिएट कर दिया, लेकिन अब कंपनी को पहचानने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। 14 लाख लोग कम नहीं होते हैं, 14 लाख लोग बहुत होते हैं, और 14 लाख लोगों के साथ वेरिफिकेशन करना और उनको उनके एक राइट अकाउंट के अंदर एक एप्पल्स को इनकम को पहुंचाना, ये थोड़ा सा एक लीगल प्रोसेस भी है। कंपनी को पैसे देने के मामले में एक लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक, मैंने हमेशा अपने वेबिनार में, वीडियोस में, और जब भी मुझसे कोई बात करता है तो हमेशा एक बात कहता हूं मैं, क्योंकि अगर आपके पास 1 रुपया भी आया है या 10 रुपए भी आए हैं, या आपके पास कितनी भी कोई भी आपके पास करेंसी आई है, तो वो एक लीगल करेंसी होनी चाहिए आपके पास, कैलकुलेशन आपके पास होने चाहिए। और आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, ये नहीं है कि आप एक बस कहीं से भी कोई भी पैसा आ जाएगा, नो, एक बिजनेस करने जा रहे हो। बिजनेस ये हमारा 2 महीने 4 महीने 6 महीने या फिर हमारा ये साल भर का बिजनेस नहीं है, ये लाइफ टाइम का बिजनेस है, ये आने वाली जनरेशन का भी बिजनेस है, ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है, ये ट्रांसफॉर्म करने वाला बिजनेस है। इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको एक बात सोचनी है, वी आर ऑन द राइट प्लेस, वी आर ऑन द राइट कंपनी, एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हम बिल्कुल हर एक सही चीज पर हैं, सही ट्रैक पर हैं, हर एक चीज यहाँ पे क्लियर है। कंपनी हमारे बैलेंस को बहुत ही जल्दी क्लियर कर रही है, लेकिन अपने लेवल से करेगी, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको भी फॉलो करेगी। हमें जो एग्रीमेंट दिया गया है वो क्यों दिया गया है, ताकि अगर आपसे कोई भी गवर्नमेंट भी अगर आप सवाल जवाब कर सके, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आप को ढाल सकें, जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है आप उसको दिखा सकें। ये एक बहुत बड़ा एक फॉर्मूला है, एक रूल है, एक कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस है, जिस तरीके से इंडिया का होता है। तो यहां पर बहुत कुछ धीरे धीरे करके आ रहा है, हमारे जो प्रोडक्ट है ना, यही हमारे लिए आने वाले टाइम के अंदर एक इनकम जनरेट करने का एक माध्यम है। क्योंकि हर बिजनेस के अंदर अगर आप कहीं से भी 1 रुपया भी अगर आप कमाते हैं, तो वहां आपको कुछ ना कुछ तो सेल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि बिना बेचे आप कहीं से भी कोई भी पैसा नहीं कमा सकते। अब हाँ, यहां पे बेचने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं अलग अलग फील्ड के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग में चले जाएंगे तो आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल सर्विस है, जैसे कि हमारा ओ कनेक्ट है, क्या है, एक सर्विस है। जितने भी हमारे एप्लीकेशन इस्तेमाल होते हैं ये डिजिटल सर्विस है। कहीं हमारे कुछ फ्री प्रोडक्ट होते हैं तो कहीं पेड वाले वर्जन भी होते हैं। अगर हम पॉलिटिकल फील्ड में चले जाएं तो वहां पे हमारी आवाज है, हम आवाज को सेल करके पैसे कमाते हैं। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं तो वहां पे हमारी आवाज है, वहां पे हम अपनी आवाज को सेल करके पैसे कमाते हैं। अगर आपको बोलने का स्टाइल आता है, अगर आपको अपने बोलने का तरीका आता है, अगर आपको जब रोने का सीन आता है तो अगर आप रोना दिखा सकते हैं, रो सकते हैं, तो आपको वहां पर एक एक्टिंग मानी जाती है। तो इस तरीके से
यहां पर अलग अलग फील्ड होते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आपको स्कूल में पढ़ा करके एजुकेशन को आप देते हैं तो आप पैसा कमाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। फिजिकल प्रोडक्ट में अगर चले जाएं तो कुछ सामान बेच करके आप पैसा कमाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास इनकम का अगर कोई भी सोर्स होगा तो हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारी सर्विस है। ये जो सर्विस है ना, जो हम दुनिया को देने वाले हैं, यही हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसी से ही हम पैसा कमाने वाले हैं। तो कंपनी ये नहीं है कि बस आपने और हम सब लोगों ने यहां पे मिलकर के एक आईडी लगा दी है और हमारी अर्ली वर्ड्स की जो पोजीशन है वो हम सब लोगों को मिल गई है, अब आराम से पैसा आता रहेगा। नहीं, इसके लिए भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हमें करने पड़ेंगे। भाई आपको अपना अकाउंट भी अटैच करना पड़ेगा, आपका वेरिफिकेशन भी होगा, आपको प्रोडक्ट भी खरीदने पड़ेंगे, आपको प्रोडक्ट को अगर कहीं भी प्रमोट करने की अगर बारी आती है तो आपको प्रमोट भी करने पड़ सकते हैं। कंपनी भी हमारी इसमें सहायता कर रही है, कस्टमर भी आपको बनाने पड़ सकते हैं तो कंपनी भी आपकी कस्टमर बना रही है। तो इस तरीके से ये काम तो हमें करने पड़ेंगे। इस दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना काम किए किसी को भी एक रुपया दे दे, कोई भी बिजनेस नहीं है। हमारा आने वाला जो ओ कनेक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट प्राइस पे होगा, डिफरेंट आउटलुक में होगा, उसका डैशबोर्ड भी डिफरेंट होने वाला है। जैसे आज हम अपना जो डैशबोर्ड ये देख रहे हैं, अपना ओ कनेक्ट का जिस पर मीटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा वो। और इसके अलावा उसके जो फीचर्स होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फीचर्स होने वाले हैं, वो एकदम से अलग होंगे। और वो एक स्पेशल सॉल्यूशन इस दुनिया को देने वाला, स्पेशल सॉल्यूशन इस दुनिया को देने वाला है। आज यहां पे कुछ फीचर्स हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें न्यू वर्जन के अंदर वो फीचर्स दिखाई देंगे। सो हमें तैयार रहना है अपने एक न्यू लुक में, अपने ओ कनेक्ट को देखने के लिए। नए प्राइस पर होगा, नई रिलीज के साथ होगा। एस सर ने भी बताया कि कुछ साल पहले कई प्रकार के स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए थे, पे स्ट्रक्चर के बारे में जो उन्होंने बताया था, क्योंकि यहां पर जो हम सब लोगों को इनकम मिलने वाली है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। आपने भी कई कंपनियों में काम किया होगा, जैसे कि MLM कंपनी में या एफिलिएट मार्केटिंग में काम किया हो, या आपने बहुत सारे और अलग अलग कंपनियों में काम किया होगा। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक प्लान होता है, और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही हमें बिजनेस करना होता है। तो यहाँ पर एस सर ने भी कई ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं और उनको लीगल टीम को सौंपा है। अब देखते हैं कि वहां से उनके लिए क्या रिपोर्ट मिलके क्या रिपोर्ट आती है उसके लिए, क्योंकि ये जो हम लोगों को जो पूरा का पूरा जो एक बिजनेस स्ट्रक्चर मिलने वाला है, ये एक पूरे फॉर्मूले में जो है कहीं ना कहीं एक क्रमबद्ध तरीके से समाहित होगा, एक पूरे फॉर्मूले के अंदर, उसके अंदर एक फॉर्मूला लगा होगा, जहां से अगर कोई भी कस्टमर अगर हमारे एफिलिएट लिंक से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है तो वहां से कितनी कमीशन है, कितना परसेंट है वो हम सब लोगों को आया, 5%, 10%, 25% या 100% कितना आया, वो एक कैलकुलेशन होती है, वो उसमें लगी हुई होती है पहले से ही। हर प्रोडक्ट का कैलकुलेशन अलग अलग होगा हमारा। तो इस तरीके से हमारे जो पे स्ट्रक्चर जो हमारा होगा वो बिल्कुल यूनिक होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एस सर इसको जो है कभी भी हमारे साथ शेयर करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कभी करेंगे, और ना करें वो ही ज्यादा बेटर है, बिकॉज इसकी हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें आईटी सेक्टर को, आईटी कंपनी को आईटी सेक्टर की तरह ही हमें प्रमोट करना है। एक आईटी सेक्टर में कंपनी किस तरीके से प्रमोट की जाती है उसी तरीके से प्रमोट करना है, उसको दूसरे लेवल पर लेके नहीं जाना है। तो उसका हमें वेट करना है, और ये यूनिक रहेगा, हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल यूनिक रहेगा। लेकिन यहां पे एस मुफारे सर ने एक बात और भी बताई थी, कुछ देश कुछ अलग प्रकार से ही सोचते हैं हमारे बारे में। हमारा जो पेमेंट सिस्टम है ना, जैसे कि अभी हमारा ओ कनेक्ट जब आया था तो इसमें दो प्रकार की इनकम हम लोगों को बताई गई थी, 100%, 25%। आज तक किसी भी कंपनी ने इतनी इनकम नहीं दी जितनी ऑन पैसिव दे रही है और आने वाले टाइम के अंदर ऑन पैसिव देगी। बहुत सारे लोगों को इससे भी जलन हो रही है, बहुत सारे लोगों को इससे भी अंदर से वो जेलसी पैदा कर रहे हैं, इसके बारे में भला बुरा कह रहे हैं। क्यों भाई? आपका प्रोडक्ट है,
आप कंपनी चला रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, आपके पास पूरे अधिकार हैं, तो दूसरे लोगों को जलन क्यों होनी चाहिए? लेकिन हो रही है ना, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कभी ह्यूमैनिटी के लिए बात ही नहीं आई कि हम ह्यूमैनिटी के लिए कोई काम करें। वो तो अपना पेट भरना चाहते हैं। वो आपने कहावत सुनी होगी कि मेरा पेट हाउ मैं ना दूं काउ, यानी कि मेरा पेट भर जाए मैं किसी को कुछ भी देने वाला नहीं। तो वो हमारे एस मुफारे सर के अंदर नहीं है। वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हम सब लोगों को देना चाहते हैं। अब ये जिस कंपनी के लिए या जिस व्यक्ति के लिए या किसी भी एक्स वाई जेड किसी के लिए अगर ये बात हजम नहीं हो रही है तो यहीं से ही एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यहीं से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ऐसे कुछ लोग भी हैं और ऐसे कुछ लोग अलग अलग सेक्टर के ही लोग होते हैं, कोई एक आम पब्लिक का कोई एक आम व्यक्ति नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि इसको अलग तरीके से अलग वे में ले जाती हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ अंदर के लोग कुछ बाहर के लोग भी ऐसे हैं जो कि जिस टाइप का ये जो हमारा पे स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये उसको उस तरीके से लेते ही नहीं है कि हाँ बिल्कुल सही हो रहा है। कुछ लोग तो इस टाइप से बोल रहे हैं कि ये कंपनी बहुत ज्यादा कर रही है, यानी कि पेमेंट कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इस बात से भी लोगों को परेशानी है, तो इन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कंपनी जिसकी है उनके पास सारे अधिकार हैं, वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो ही जाती हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सबर रखना है, क्योंकि जो पे स्ट्रक्चर एस मुफारे सर हम सब लोगों के लिए जो लेकर के आ रहे हैं वो अपने आप में यूनिक होगा। भले ही वो हमें दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, वो डजंट मैटर, लेकिन अवर पे स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। जितनी भी कंपनियां इस दुनिया के अंदर हैं, उन सब से अलग होने वाला है। ऐसा ने बताया कि जो कुछ भी है ना, वो कुछ ट्रांसपेरेंट भी रखना चाहते हैं यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहते, वो ट्रांसपेरेंट भी हैं, यानी कि हर चीज को बता के भी चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर एक चीज को सिक्योर भी करना चाहते हैं। दोनों चीजें होती हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूं तो मैं कैसे समझा सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आने वाले टाइम के अंदर हम सब लोग ऑन पैसिव से एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं, और आप किसी व्यक्ति को अपनी इनकम के बारे में कुछ बताना चाहते हो, या कोई सामने वाला व्यक्ति पूछ ही लेता है, तो आप उसको इस तरीके से बताओ कि उसको महसूस भी ना हो कि मैंने बता दिया, और आप भी अपनी सिक्योरिटी को अपने पास रखो। ओके, दोबारा समझो बात के लिए, आप उसको बता भी दो कि मैं यहां से लगभग लगभग कितना कमा लेता हूं, दूसरी चीज, और आपने बताया भी नहीं, आपने ट्रांसपेरेंसी भी दिखा दी, आपने बताया भी नहीं, और अपनी जो सिक्योरिटी थी वो आपने अपने पास भी रख ली। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं कि आप किस तरीके से उसको बताते हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप कितना कमा लेते हो, तो आप ये कह सकते हो हाँ मैं इतना तो कमा लेता हूं कि जो मेरे हाथ में ये जो फोन देख रहे हो ना, ये फोन कौन सा है, हाँ ये वन प्लस का फोन है, ठीक है, एक महीने में मैं आराम से ये फोन खरीद सकता हूं, मैं इतना तो कमा ही लेता हूं। अब फोन की कीमत कितनी भी हो सकती है, ठीक है, अब वो अंदाजा लगाता रहे, तो इसमें क्या कहा आपने, मैं इतना तो कमाई लेता हूं एक महीने में कि जितना ये वन प्लस का फोन आराम से मैं ले सकता हूं। ओके, तो इस तरीके से आपने दोनों चीजें बता दी, सामने वाले को आपने बता भी दिया लेकिन बताया भी नहीं, और आपने अपनी सिक्योरिटी भी अपने पास रख ली। ये होती है बताने का तरीका। तो यहाँ पे एस मुफारे सर ट्रांसपेरेंसी भी कर रहे हैं और उन सारी चीजों को सिक्योर करना भी चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। एस मुफारे सर ने पूरी तरीके से ठान लिया है कि हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करके रहेंगे। कोई भी ताकत नहीं है दुनिया की जो कि इस ह्यूमैनिटी को जो है उठने से अपलिफ्ट करने से रोक पाए। हम अपलिफ्ट करके ही रहेंगे, और जो लोग हमारे ऊपर भरोसा करके आज यहां पर इतना लंबा समय जो इंतजार कर रहे हैं, उनको फल तो मिलना ही मिलना है। फिनिशिंग लाइन की हम बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। जो काम हमने स्टार्ट किया था, अब वो काम धीरे धीरे करके
यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म होने जा रहा है। हम फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, हमारे वेरिफिकेशन शुरू हो चुके हैं, और जब वेरिफिकेशन शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि हम कहाँ पे हैं। अब जो भी काम कंपनी के बैकएंड के पीछे जो चल रहा है, जितना भी काम चल रहा है, वो सारा का सारा काम एक फाइनल टच देने के लिए, हमारे विड्रॉल्स को देने के लिए, हमारे पेमेंट को रिलीज करने के लिए, ये इसीलिए चल रहा है। बाकी के जो प्रोडक्ट है ना, वो तो 1x1, 1x1 जैसे जैसे वो रिलीज होते जाएंगे, बनते चले जाएंगे, वो हमारे पास आते चले जाएंगे। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा समझना है कि वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो हम फिनिशिंग लाइन के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे दो चीजों को सबसे अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। पहली चीज लीगलिटी, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी आए एप्पल्स के रूप में, वो एक लीगल वे में आए। दूसरी चीज सिक्योरिटी, सिक्योरली का मतलब यह है कि उसके पीछे एक सिक्योर होना चाहिए, वो मेथड एक सिक्योर मेथड होना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि हमने बस ऐसे ही रेंडमली भेज दिया और किसी ने हैक कर लिया रास्ते में ही, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सिक्योरिटी, सिक्योरली एंड लीगलिटी, इन सारी चीजों का यहां पे ध्यान रखा जा रहा है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर कोई आपके ऊपर भी जो है उंगली ना उठा पाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आपके आस पड़ोस में ही लोग ऐसे होंगे कहने वाले, अरे एक साल पहले तो ऐसे थे नहीं, एक साल में इनके लाइफ में जो है पता नहीं क्या हो गया। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है कि आपके पास हर एक चीज की कैलकुलेशन हो। इसके बाद एस सर ने जो है एआई के पॉइंट को भी टच किया, जो कि सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण यहाँ पे पार्ट है हम सब लोगों के लिए, और हम सब लोग यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी के अंदर है। जितने भी हमारे फीचर्स आ रहे हैं वो सबके सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल हम जब करेंगे तो उसका अलग से वहां पे एक रिजल्ट निकल के आएगा कि किस तरीके से होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस को उन्होंने टच किया, और उन्होंने बताया कि एग्जाम्पल देके बताया कि आज इसका दौर किस तरीके से बढ़ रहा है, और लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे किस तरीके से भाग रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 60 के दशक में लोग चंद्रमा पे जाने की होड़ में एक लगे हुए थे, उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया, चंद्रमा पे जाने की होड़ में लगे हुए थे, रेस हो रही थी कई देशों के बीच में कि पहले मैं जाऊंगा। उसके बाद तेल को निकालने की रेस होने लगी, उसके बाद सिलिकॉन वैली के बारे में उन्होंने बताया कि इसको रेस होने लगी, एंड इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें थी जो हर देश अपने लेवल से सबसे पहले करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो इन सबका ओवरऑल एक ही पर्पस था, वो था ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, क्योंकि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं और उसमें अगर हम किसी भी इंसान को आगे भी बढ़ाते हैं तो ये सबसे नेक काम होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए बहुत सारे देशों ने उस समय पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन हर देश ने नहीं, क्योंकि हर देश के पास रिसोर्सेज नहीं थे, हर देश के पास इतना कामकाज नहीं था, इतना ज्यादा उनके पास धन भी नहीं था। जैसे कि हर कोई अगर चंद्रमा पे जाना चाहे तो वो कैसे जा सकता था उस समय, क्योंकि बहुत सारी चीजें जरूरी थी उस समय, टेक्नोलॉजी भी जो है उतनी ज्यादा नहीं थी उस समय। तो उस जमाने में 1960 की अगर हम दशक की बात करें, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे की बात करें, तो ये धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये मामला जो है आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अब जो आज का जो समय है, आज की डेट में जो लोग रेस कर रहे हैं, वो हर कंट्री के पास आज मौका है, हर कंट्री के पास आज मौका है। क्योंकि आज जो रेस हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डोमिनेट करने की रेस हो रही है, और जो इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जाएगा वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा। यहां पे 220 कंट्रियां हैं जो आज सभी देशों के लीडर्स उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ रहे हैं, सभी देशों के लीडर अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, और इसमें बढ़ चढ़ करके जो इस पे ऊपर काम किया जा रहा है, और एक से एक बढ़कर चीजें यहाँ पे बनाई जा रही हैं, और हमें किस प्रकार से इस कंपटीशन को पूरा करना है और किस प्रकार से ये हम सब लोगों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ये हमें
धीरे धीरे करके अब समझ में आने लगा है और हम चाहते हैं, ऑन पैसिव भी ये चाहती है कि हम भी इस रेस में जो आगे रहें, हम भी कुछ ऐसा इस दुनिया को दें जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस हो, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट है ना ये भी दुनिया के अंदर वायरल हो, ये भी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से जाए और लोग उसको इस्तेमाल करें। जो भी देश सबसे ज्यादा अच्छा करके यहां पर दिखाएगा वही इस खेल को आगे चल के लीड करने वाला है, आगे चल के इसका लीड करने वाला है, मतलब नेतृत्व करने वाला है, वो लीडर बनने वाला है। तो यहां पर इस खेल में बहुत सारे कंपटीशन इस समय छिड़ चुके हैं और हर देश के पास अपनी अपनी एक टेक्नोलॉजी भी है, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हमारे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं इसलिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेस बहुत सारे जो फीचर्स हैं उनको यहाँ पे डाला जा रहा है। इसीलिए यह खेल आसान नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार बैठे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क का भी उन्होंने नाम लिया। आज अगर हम इलॉन मस्क को देखें तो क्या चीज नहीं है उसके पास, उसके पास वो इक्विपमेंट नहीं है या फाइनेंस नहीं है या उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास हर चीज है। और उसने अभी चैट जीपीटी को जो उसने बनाया था, आपको पता है कि उसने भी एक छोटे से प्रोग्राम में ही बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था। तो इसी तरीके से गूगल भी पीछे नहीं है, गूगल भी बहुत तेजी से आगे जा रहा है, वो भी अपना रिसर्च लगातार कर रहा है। तो यहाँ पे हर एक कंपनी जो है अपने आप को एक कहना चाहिए कि अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को बेटर साबित करने के लिए, अपने बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए पूरी तरीके से काम कर रही है। और सारा का सारा खेल एआई वेस पर ही चल रहा है, हर एक कंपनी एआई वेस पे ही अपना काम सबसे ज्यादा कर रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम सब लोगों को समझना। और ऑन पैसिव भी अपने प्रोडक्ट भी बना रही है और एआई वेस्ट प्रोडक्ट बना रही है, ताकि ये आगे आने वाले टाइम के अंदर एक अपना एक अलग छाप छोड़ पाए, एक अलग पहचान इस दुनिया के अंदर बना पाए। तो हमारा जो ओ कनेक्ट है ना, वो कभी भी हमें मिल सकता है, जल्दी ही मिल जाएगा, एक नए रिलीज के साथ मिल जाएगा। मोहम्मद मुराद सर भी जो है मीटिंग में थे तो उन्होंने इस बात को बताया है कि उसमें कुछ काम अभी बाकी रह गया है एंड सबसे ज्यादा फोकस उसकी स्केलेबिलिटी और स्टेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसके स्किल को डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि उसका स्किल डेवलप हो, उसकी स्केल को बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद जो है स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, क्या स्टेबिलिटी को उस पर बढ़ाया जा रहा है, ताकि वो स्टेबल हो पाए सही तरीके से। यानी कि जब कोई चीज बन जाती है तो उसको टेस्ट भी किया जाता है, स्टेबल हुआ है या नहीं हुआ है, तो इस तरीके से वहां पे स्टेबिलिटी पे काम किया जा रहा है और स्केलेबिलिटी पे काम किया जा रहा है। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे। न्यू वर्जन के अंदर हमें जो चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी वो अपने आप में अमेजिंग होगी, नया डिजाइन होगा, नया डैशबोर्ड होगा और सब कुछ वहां पे लगभग ट्रैक पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुराद सर ने इस बात को बताया है कि भाई मुराद सर सबके हेड हैं और वही इसका पूरा का पूरा देख रेख कर रहे हैं इस समय, और बहुत ही जल्दी हम सब लोगों को इस इकोसिस्टम के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। और जब हमारे पास नया ओ कनेक्ट होगा तो नया प्राइस होगा, नया प्रोसेसर होगा, नए उसके अंदर हमारे अटेंडीज के भी कैपेसिटी वेस होगा, एवरीथिंग विल बी न्यू, सब कुछ वहां पे नया होगा। इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि देखो जो प्रोडक्ट है ना यही एक हमारा एक सबसे बड़ा सपनों का एक माध्यम है, जो हमारे सपने पूरे होने वाले हैं या फिर हमारे जो यहाँ पर इनकम आने वाली है, या हम कहें कि यहाँ पर हमारा जो लाइफ चेंज होने की बात कही जाती है, इस पूरी दुनिया को डोमिनेट करने की बात कही जाती है, पूरी दुनिया को ऑन पैसिव के अंदर समाने की बात कही जाती है, ये बिना प्रोडक्ट तो हो ही नहीं पाएगा। और लोगों को अगर ऑन पैसिव के अंदर आना है तो उनको हमारे प्रोडक्ट यूज करने होंगे, और वो यूज क्यों करेंगे इसी के पीछे सबसे ज्यादा काम किया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये एक कॉपी है और ये आपके बहुत काम की है, तो मैं आपको ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये किस काम की है, ये आपके किस काम आ सकती है, ये आपको क्या हेल्प कर सकती है।
तो अगर हम उस व्यक्ति को ये बता सकें कि हाँ ये प्रोडक्ट आपके इस काम आ सकता है और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को लेगा, यूज करेगा और उसको अच्छा लगेगा तो वो खुद ही आगे शेयर करेगा। क्योंकि यहां पर मार्केटिंग हमारी दुबई के अंदर हो रही है, बुर्ज खलीफा मॉल, मेट्रो स्टेशन, एडेंस के अलावा बहुत कुछ। इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि अगर मुझे आज की डेट में अगर एक भी एप्लीकेशन अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं 10 लोगों को बता देता हूं। 14 लाख लोग हैं हम सब लोग, 14 लाख लोग अगर 10 लोगों को भी बताते हैं तो आप सोचिए कि कस्टमर बेस कहां पे जाने वाला है, ऑन पैसिव का कस्टमर बेस कहां पे जाने वाला है। ये होती है, ये बात होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम सब लोगों के लिए जानना। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पे माउथ पब्लिसिटी का जो होता है ना, एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के आता है यहां पे। तो यहां पे हम सब लोगों को ज्यादा फिक्र नहीं करनी है, हमें सब कुछ यहां पे ट्रैक पे है, सब कुछ मिल रहा है यहां पे, बस थोड़ा सा हमें वेट करना है। और हमारा जो ओ कनेक्ट है वो 100% यहां पे वायरल भी होगा, ओ वेरिफिकेशन भी हमारा होगा, ओ वेरीफाई भी मुराद सर ने बता दिया है कि बहुत जल्दी हम लोगों को मिलने वाला है। कब मिल जाएगा ये बताया नहीं है, लेकिन लगभग उसका काम पूरा हो चुका है, वो भी मिल जाएगा। इसके बाद नजाल सर की अगर हम बात करें, वो तो मार्केटिंग के हेड हैं और मार्केटिंग में उनके काम करने का जो तरीका है वो बहुत यूनिक है, और जब भी वो काम करते हैं वो बहुत ही यूनिक करते हैं। वह कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हम सब लोगों को हिलाने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं कि धमाका होने वाला है। जब भी वो काम करते हैं तो उसके उनके काम में एक यूनिकनेस होती है, और यहां पर भी जो काम कर रहे हैं उसमें भी एक यूनिकनेस होगी। और जो कोई भी काम यहाँ पे मार्केटिंग के लेवल का हो रहा है वो आने वाले टाइम के अंदर हमें एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस भी ला करके देगा। कमाल सर ने अपनी कुछ शेयरिंग रखी अपने पास अपने इस 360 के वेबिनार के अंदर, और उन्होंने सबसे पहले क्रिस जॉनसन सर के लिए जो है टच किया, और उन्होंने कहा कि आपकी जो तबीयत है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी और हम सब लोग जल्द ही हम एक साथ होंगे यहाँ पर। और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम सब लोगों को प्रे करना है जिससे कि हमारे क्रिस जॉनसन से जो ठीक हो जाएं, और ऐसे बहुत सारे और भी फाउंडिंग मेंबर होंगे जिनको हम नहीं जानते हैं। भाई इर्दिस मोदी साहब वो तो सब लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वो एक पैनल में आते हैं, मीटिंग करते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं और बहुत सारे लोग उनको जानने लगे। बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर भी हैं जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, लेकिन उनकी भी तबीयत खराब रहती है, वो भी कहीं ना कहीं जो बीमार रहते हैं। लेकिन हम अगर ऊपर वाले से यही प्रे करें कि जो भी फाउंडिंग मेंबर हैं अगर उनकी तबीयत खराब है तो वो भी सही हो जाए, तो उनको भी दुआ लग जाती है जिनका हम जानते ही नहीं है। क्योंकि इद्रिस मोदी साहब हो गए, जॉन्स क्रिस जॉनसन सर हो गए, या हम सब लोग हो गए जो इस मीटिंग में लगातार आते रहते हैं, है ना, और आज ऊपर वाले की कृपा से बहुत सारे लोग मुझे भी जानते हैं, ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको जानते हैं, तो हम लोगों को जानते हैं तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं जानते उनका क्या, उनके लिए हम किस तरीके से दुआ कर सकते हैं? तो उसका एक ही रास्ता है, आप ऊपर वाले से बस प्रे करें। और नाम नहीं जानते हैं, चेहरा नहीं जानते हैं, लेकिन फाउंडिंग मेंबर हैं ये तो कह सकते हैं ना, अर्ली वर्ड्स हैं ये तो कह सकते हैं ना, कि जो भी हमारे अर्ली वर्ड्स हैं ऑन पैसिव को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑन पैसिव के अंदर हैं, एक इंतजार कर रहे हैं अपनी लाइफ को चेंज करने का, उनको भी जो बस सही सलामत रखे सबको, जिससे कि वो अपनी एक सक्सेस को यहां पर अपनी आंखों से जो है देख पाए। क्योंकि अगर अपनी आंखों से हम अपनी सक्सेस को देखेंगे तो उसका मजा ही कुछ और होता है। और बहुत ही जल्दी हम सब लोगों को वो समय अब आने वाला है, क्योंकि एस सर भी इस बात को समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और वो भी इस काम को बहुत तेजी से कर रहे हैं, लेकिन हर काम को सिस्टमैटिक वे में करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे क्रिस जॉनसन सर हो गए और भी हो गए, आप भी उनके लिए प्रे करें, एंड बहुत ही जल्दी हम सब लोगों के बीच में होंगे वो। एंड इसके अलावा मोहम्मद कमाल सर ने जो है अपनी मीटिंग के बारे में, पूरा शेड्यूल के बारे में बताया, उनकी कल भी मीटिंग है, आज भी मीटिंग है, एंड आने वाले टाइम के अंदर कुछ और भी मीटिंग्स हैं उनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पर वो मीटिंग करने वाले हैं। एंड इसके अलावा एक मार्च के महीने में एक प्रेस्टिजियस इवेंट भी वो करने वाले हैं। अब वो इवेंट मार्च में होने वाला है, आप सोचो कि उसकी तैयारी उन्होंने मुझे लगता है कि जनवरी में या उससे पहले ही शुरू कर दी होगी, और अगर वो इवेंट कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बेहतरीन होगा, काफी ज्यादा बेहतरीन होगा, और वो फर्स्ट वीक में होगा, हमारे मार्च के फर्स्ट वीक में, और उसका
जो भी अनाउंसमेंट होगा वो हमें लगभग लगभग फर्स्ट वीक से पहले पहले मिल सकता है या फर्स्ट वीक में मिल सकता है, और वो दुबई में प्रोग्राम होगा और उसका क्या रिजल्ट आएगा, किस प्रकार का इवेंट होगा, वो हमें नेक्स्ट वीक में ही उसी समय पता चलेगा। हम 24 घंटे सातों दिन यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं, बहुत ही मैसिव चीजों पर जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है, और जल्द ही हम सब लोग यहाँ पर एक एक्साइटिंग जो न्यूज है हम सब लोगों को जरूर सुनने को मिलेगी। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मोहम्मद कमाल सर अपने पूरे फाइनेंशियल जो एक चीज है ना उस पर काम करते हैं। जो अभी आप सोचते हैं ना कि मैंने विड्रॉल लगाया है और जो भी आपका फाइनेंशियल जो भी एक डिपार्टमेंट है उसको देखते हैं, एंड इसके अलावा हमारे जो मोहम्मद नजाल सर हैं वो पूरे मार्केटिंग हेड हैं, वो मार्केटिंग को देखते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से मार्केटिंग का एक अच्छा सा हम प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो बने हुए हैं, इसलिए मोहम्मद कमाल सर हमेशा कहते हैं कि एक एक्साइटिंग न्यूज अगर हम लोगों को सुनने को मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके लिए हो सकता है कि मे बी इसी महीने में मिले, अगले महीने में मिले, जो भी होगा वो हमें पता चल जाएगा। सब कुछ यहां पर राइट ट्रैक पर है, सही तरीके से यहां पर किया जा रहा है, एंड जो भी ड्रीम हमने देखे हैं वो जरूर पूरे हो।